12 दिन पहले लूट के मामले में खेकड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें, 24 तारीख में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खेकड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की वारदात पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस लूट की वारदात के मद्देनज़र देखते हुए चौकन्ने होती है और सतर्क होती है और जो लुटेरे हैं उनकी तलाश में जुट जाती है, जहां पुलिस के हाथ एक राजू नाम का जो कि मेरठ का रहने वाला है वो हत्थे चढ़ा। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक और उसमें लगभग 10 लाख रुपए का माल जो लूटा हुआ था वो पुलिस ने बरामद किया है, जिसको लेकर एडिशनल SP नरेंद्र प्रताप सिंह ने सफल खुलासा करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आपको बता दें, जो ये राजू नाम का बदमाश है ये पहले भी लूट के मामले में कई बार जेल जा चुका है, जो कि पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था। वहीं खेकड़ा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और जो इसके सरगना में इसके साथ और जो साथी हैं अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। कैम दिनांक 25 मई 2024 को थाना खेकड़ा में स्थित राजमार्ग पे एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ट्रक जो सोनीपत से चल के गाजियाबाद जा रहा था उसमें लगभग 10 लाख का सामान लूट था। उसका ड्राइवर EP पर ही आराम कर रहा था, तभी पीछे से एक गाड़ी आई, उसने उस गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया और उसमें लदे हुए सभी सामान को उन लोगों ने लूट लिया था। थाना खेकड़ा पर मुकदमा दर्ज करके इसमें विश्लेषण की जा रही थी। थाना खेकड़ा पुलिस ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया। इसमें हमारी पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम राजू है, वो ग्राम धौड़ी थाना जानी मेरठ मूल निवासी गिरफ्तार किया है। उसके पास से घटना पर उसको पिकअप की गाड़ी तथा लूटा हुआ सारा सामान जो सबमर्सिबल पंप, टुल्लू पंप, कुछ मेडिसिन हो बरामद किया गया है, इसकी मतलब 10 लाख रुपए के आसपास है। और उसने बताया कि इसमें हमारे साथ 3 लोग और थे जो ग्राम रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत रहने वाले हैं। उसे गिरफ्तार किया गया राजू को, उसके खिलाफ लिखा पढ़ी करके उसके हम लोग आज कोर्ट चालान कर रहे हैं। 3 लोग जो अभी बचे हुए उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है, बहुत ही जल्दी उसे गिरफ्तार करेंगे और पूरे व्यवस्था को हम लोग आक्षेप करेंगे। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।